हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपनीता। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों के साथ मैंने बहुत सारे किचन रिलेटेड वीडियो शेयर किया, काउंटर टॉप वीडियो, टी सेक्टर की वीडियो, सो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे किचन टूर। सो ज़्यादा लेट ना करके चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ से मेरा किचन स्टार्ट होता है। लेफ्ट साइड में है गैस और राइट साइड में है मेरा सिंक। सो आ जाओ, यहाँ मैं कुछ डेकोर पर्पज़ के लिए कुछ लीफ जो आर्टिफिशियल है उसको मैं यहाँ पे डेकोर किया है। नेक्स्ट यहाँ पे मेरा यूटिलिटी एरिया है, जहाँ पे मेरा डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन है। उसके बाद यहाँ पे सिंक है। मैं स्टार्ट करती हूँ गैस स्टोव से। ये मेरा रेंटल अपार्टमेंट है, सो उसमें ही मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के मैं जितना हो सका उतना ही डेकोर किया। सो फर्स्ट मेरा यहाँ पे गैस स्टोव है, उसके ऊपर है मेरा चिमनी और पीछे ये वॉल प्लेन था वाइट कलर का। सो कुकिंग करते टाइम कुछ ना कुछ गिरते रहते, तो इसलिए मैं मेरा ये वॉल के लिए DIY कुछ ये कागज़ का है, अमेजोन में मिल जाता है, तो मैंने खुद ही इसको यहाँ पे सेट किया है। लुक भी चेंज हो गया और जो दीवार है वो ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा। तो उसके बाद लेफ्ट साइड में मेरा हर रोज का जो रिक्वायरमेंट है ऑयल घी वो है, स्पून है। यहाँ पे मैं दो कॉमन हुक लगा के रखी हूँ, जो ज़रूरत का सामान है उसको टांगने के लिए हेल्प हो जाएगा। उसके बाद ऊपर का जो एक शेल्फ है, जो एक बहुत बड़ा एक शेल्फ है, उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए एक अच्छा जो रैक है उसको यूज़ किया। ये स्टील का है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा जितने भी दाल चना है वो रखी हूँ। उसके बाद नीचे मेरा बादाम, किशमिश, जितना भी ड्राई फ्रूट्स है उसको रखी हूँ, तो अच्छे से जगह भी यूटिलाइज हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेरा रियूजल जार है, उसमें मैं डालिया और कुछ स्नैक्स रखी हूँ। नेक्स्ट उसके ऊपर जो कैबिनेट है उसमें थोड़ा ऊपर है, इसलिए मैं यहाँ पे जो चीज़ बहुत कम यूज़ होता है वो उसको रखी हूँ। यहाँ पे मैंने मेरा जो इंडक्शन है उसको रखी हूँ, जिप पाउच लॉक और फॉइल पेपर, इसको मैं ऊपर ही रखी हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ही कम ज़रूरत होता है। उसके बाद नेक्स्ट शेल पे मैंने कुछ जो मसाला है जो घर का बना हुआ है वो सब मैं यहाँ पे रखती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट शेल्फ में मेरा जितना भी ब्रेकफास्ट है, मतलब पोहा, ओट्स, सूजी, ये सब कुछ यहाँ पे रखी हूँ। मेरा एक छोटा बच्चा है, उसका भी ड्राई फ्रूट्स पाउडर और जो कुछ भी उसको ज़रूरत है वो सब यहाँ पे ही रखी हूँ। नेक्स्ट उसके नीचे, मतलब इस गैस के एकदम लेफ्ट साइड में, जो मुझे हर रोज़ में ज़्यादा ज़रूरत होता है, जैसे कि सॉल्ट, हल्दी, नमक, गरम मसाला, ऐसे जो मसाला मुझे ज़्यादा ज़रूरत होता है वो मैं यहाँ पे रखी हूँ। सो मुझे आसानी होता है काम करने में। उसके बाद यहाँ पे है ऑनियन पटेटो का जो जार, आप इसको पहले भी देखे हो मेरे काउंटर टॉप वीडियो में, अगर मुझे आप फॉलो करते हो तो। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद मेरा है माइक्रोवेन, माइक्रोवेन के ऊपर है सैंडविच मेकर और मेरा एक मैं एक बास्केट रखी हूँ जिसके ऊपर मेरा हर रोज़ का जो तावाल है और ऐसे क्लिप जो मुझे ज़रूरत होता है उसको मैं रखी हूँ। और उसका जो ऊपर का शेल्फ है उसमें मेरा जितना भी ग्रोसरी है, मतलब जो ग्रोसरी मुझे आधा यूज़ हो गया आधा मैं ऐसे ही क्लिप लगा के रख दी हूँ, वो सब ग्रोसरी मैं यहाँ पे रखती हूँ, जैसे कि बादाम, मसाला, सूजी, बहुत कुछ है, सो उसको मैं यहाँ पे ही रखती हूँ। नेक्स्ट उसके ऊपर मेरा जितना भी माइक्रोवेव का जो सामान है उसको रखती हूँ, माइक्रोवेव में जितना भी यूज़ होता है उसको रखती हूँ। उसके एकदम बाजू में जो एक शेल्फ है, इसमें मेरा जितने भी क्रॉकरी है, जैसे किसी प्लेट, बाउल, स्पून, जितने भी मेरा क्रॉकरी है उसको मैं यहाँ पे ही रखती हूँ। और इसके बाजू में यहाँ पे रख रही हूँ मेरा जितना एक्स्ट्रा मिक्सी जार है इसको रखती हूँ, इसको भी रखा इधर। और ऊपर का जो शेल्फ है वहाँ पे मेरा जितना भी स्नैक्स है उसको यहाँ पे रखती हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो तुरंत यहाँ पे यहाँ से लेकर मैं यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद इससे ठीक नीचे मेरा एक टी सेक्टर बना हुआ है, उसके साइड में मेरा एक करंट की लाइन है, तो एक में तो मेरा ये जो माइक्रोवेव है उसका लाइन लग गया और दूसरे में मैं एक एक्सटेंशन बोर्ड को लगा के रखी हूँ ऐसे कॉमन हुक से। सो उसमें मेरा जितना भी लाइन है, जैसे कि लाइट की लाइन और मिक्सी, इलेक्ट्रिक केटल की लाइन, तो सबको मैं यहाँ पे लगा के रखती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक छोटा सा टी सेक्टर बना के रखी हूँ। अगर आप मेरे टी सेक्टर के वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो मैं लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हो। मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, मैं बीच बीच में चेंज करती रहती हूँ मेरे किचन के, तो मैं बोर नहीं होती हूँ।
सो फर्स्ट मैंने माइक्रोवेन के जस्ट बाजू में मैं मेरा जो मिक्सी है उसको रखी हूँ, और एक छोटा सा जो मुझे हर रोज़ ज़रूरत होता है उसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। उसके साइड में मैंने एक ट्रे रखी हूँ, उसके साइड में मैंने एक रैक रखी हूँ, उसके ऊपर जितना भी मेरा कप है उसको स्टैंड करके रखी हूँ, अब देख सकते हो। और उसके ऊपर भी कॉमन हुक लगा के अच्छे से कुछ चार कप है उसको मैं एक साथ यहाँ पे एक सेट करके रखी हूँ, और कुछ बिस्किट है एक जार में यहाँ पे सेट करके रखी हूँ। सो नेक्स्ट यहाँ पे है मेरा डब्बे में जितना है ग्रीन टी वेराइटीज़, मेरा ग्रीन टी है इसमें, फिल्टर कॉफ़ी है। उसके बाद मेरा एक इलेक्ट्रिक केटल है उसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, जब ज़रूरत होता है इसको निकाल के मैं यूज़ करके फिर रख देती हूँ। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे मैं एक शेल्फ लगा के रखी हूँ, उसके ऊपर मेरा ये एक छोटा सा प्यारा सा एक कप सेट है उसको मैं रखी हूँ, डेकोर पर्पज से DIY इसको प्लांट लगा के रखी हूँ। उसके बाद हनी कॉफ़ी, और उसके बाद एक बोर्ड लगा के रखी हूँ, और ऊपर एक कप, और नीचे मेरा टी कॉफ़ी शुगर का तीन डब्बे रखी हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं डेकोर पर्पज़ के लिए एक आर्टिफिशियल जो लीफ होता है उसको मैं लगा के रखी हूँ। उसके साथ मैंने यहाँ पे एक लाइट भी अरेंज करके रखी हूँ, सब देख सकते हो। ये कॉर्नर का लुक बहुत अच्छे से निकल के आया है, मुझे तो ये कॉर्नर बहुत पसंद है। उसके बाद साइड में मेरा जो एक्स्ट्रा जो ग्रीन टी है उसको रखी हूँ। उसके बाद मैंने कोशिश किया मेरा जितना भी मेरा जो काउंटर टॉप है उसको थोड़ा सा क्लीन रखने के लिए, इसलिए मेरा जो पानी का बोतल है उसको यहाँ पर रखी हूँ। उसके बाद मेरा चॉपिंग बोर्ड यहाँ पर रखी हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं रखा यहाँ पे। उसके ठीक ऊपर एक कांच का शेल्फ दिया है यहाँ पे, सो वहाँ पे मैं खाली नहीं रखना चाहती थी, इसको डेकोर करने के लिए मैंने एक आर्टिफिशियल ऐसे प्लांट जो हैंगिंग प्लांट है उसको मैं यहाँ पे सेट करके रखी हूँ, आप देख सकते हो। साथ में एक लाइट भी लगाया है। उसके बाद ऐसे जो टी लाइट कैंडल होल्डर जो होता है उसको मैं यहाँ पर रखी हूँ, और उसके एकदम साइड में मैंने ये जो कूलर है इसमें मैं हम लोग ने कभी आइसक्रीम खाया थे उसको मैं DIY घर में पेंटिंग किया। अगर आप इसका डिटेल्स देखना चाहते हो कैसे मैंने पेंटिंग किया, मेरा एक आर्ट चैनल है उसमें यहाँ पे इसका डिटेल्स दे दूँगी, आप उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हो, अगर आपको पसंद हो तो आप देख सकते हो। उसके ऊपर मैंने पूरा एक लाइट का सेटअप करके रखी हूँ, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे यहाँ का लुक। और ठीक इसका साइड में रिसेप्टर, मेरा किचन का ये पोर्शन ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो उसके बाद ये शेल्फ ख़त्म हो जाता है। ये मेरा सिंक एरिया में मैंने ऐसे एक सिलिकॉन का ट्रे रखा है, उसके ऊपर हैंड वॉश और डिश वॉशर सोप रखा है, और इसमें एक नेट वाला ट्रे रखे है उसके ऊपर मैं जो पोछा है उसको रखती हूँ, और यहाँ पे मेरा कॉजबाइट है। सो ये मेरा सिंक एरिया है, उसका एकदम साइड में इसको मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं जब भी बर्तन धोकर रखना होता है तभी इसको यूज़ करती हूँ, नहीं तो ऐसे ही रख देती हूँ। तो उसके बाद आते हैं नीचे का पोर्शन, सिंक के एकदम नीचे का एरिया में मेरा जितना भी डस्टबिन है उसको रखती हूँ। उसके बाद एकदम साइड में है मेरा हस्बैंड का और मेरा जितना भी प्रोटीन पाउडर हम लोग यूज़ करते हैं वो सब रखती हूँ। उसके राइट के एकदम ऊपर का जो ड्रायर है उसमें मेरा वेजिटेबल चॉपर, ड्राई फ्रूट्स क्रशर, लेमन स्क्वीजर ये सब रखती हूँ, एक्स्ट्रा स्पून छन्नी ये सब रखती हूँ, और जो मेरा मसाला ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है उसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो ऐसे मैं यहाँ के यह को डेकोर करके रखती हूँ। उसके बाद नीचे का जो शेल्फ है उसमें मेरा हर रोज़ का ज़रूरत का जो बाउल स्टील का जितना भी सामान है उसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, और यहाँ पे मैंने एक बास्केट सेट करके रखी हूँ, उसके ऊपर मेरा जितना भी ग्लास है उसको रखी हूँ। उसके बाद नीचे का जो शेल्फ है उसमें जितना भी मेरा स्टील का प्लेट है और लीड है मेरा कढ़ाई का सब कुछ मैं यहाँ पे रखती हूँ, और एक्स्ट्रा एक छोटा सा बास्केट मैं यहाँ पे सेट करके वहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा जो छोटा लीड होता है उसको मैं यहाँ पे रखी हूँ। ये डोर ओपन करती हूँ, ऊपर जो शेल्फ है उसमें मेरा चकला बैलन और उसका जो कपड़ा है उसको रखती हूँ, ये मेरा एक्स्ट्रा जो आटा है उसको रखती हूँ, ये रोटी रखने का जो हॉटपॉट होता है उसको रखी हूँ, और एक्स्ट्रा जितना भी मेरा कांच का टिफिन बॉक्स है उसको सब मैं पीछे रखती हूँ, और 2 जार भी हैं, और सामने बेटे का जो प्लेट है उसको रखी हूँ, और छोटा जो स्टील का कटोरी होता है उसको रखी हूँ, और नीचे जो पार्ट है उसमें मेरा जितना भी आटा मैदा और चावल सब कुछ मैं यहाँ पे रखी हूँ, और कुकिंग के एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है जैसे कि चाउमीन और ऐसे कुछ कुछ एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है मैं यहाँ पे ही मैं जार में भर के रखती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट राइट में साइड में जो ड्रायर है उसमें मेरा जितना भी प्रेशर कुकर है वहाँ पे रखती हूँ, ये बहुत ह्यूज जगह है, मेरा इतना सामान भी नहीं है। सो इस साइड में उसके राइट साइड में मेरा जितना भी रीयूजेबल प्लास्टिक का जार है वो सबको मैं यहाँ पे ही धो के रखी हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत होगा मैं यहाँ से लेकर यूज़ करूँगी। नेक्स्ट आते हैं इस साइड में ऊपर का जो शेल्फ है उसमें शेल्फ ऑर्गेनाइज़र को रख के उसके ऊपर मेरा जितना भी कढ़ाई तावा है उसको यहाँ पे रखी हूँ।
फिर उसके बाद राइट साइड में मेरा जितना भी पैकेज फूड है, जैसे कि स्नैक्स हो गया, सो जो पैकेट अभी भी खुला नहीं है, वो सब मैं यहाँ पे रखती हूँ। सो नीचे का जो शेल्फ है वहाँ पे मेरा जितना भी कप सेट है, ग्लास सेट, इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। फिर इसके जितना भी एक्स्ट्रा जार है उसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो मेरा कैबिनेट है, इसमें मेरा जितना भी एकदम पुराना मेरा सामान है उसको यहाँ पे रखती हूँ। आप देख सकते हो बहुत ही एक सिंपल सा मेरा किचन है। ऊपर के शेल्फ में इतना कुछ मैं ज़रूरत कुछ नहीं रखा, क्योंकि मुझे इतना ज़रूरत नहीं होता है। अगर मेरा बहुत पुराना सामान है उसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तभी मैं इसको ऊपर रखती हूँ। सो दैट्स इट, ये रहा मेरा किचन का पूरा लुक। आज का वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, ऑल्सो सब्सक्राइब, बेल बटन प्रेस करके रखना और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करके रखना, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम में मेरा जो लेटेस्ट अपडेट है वो देते रहती हूँ। आप भी शेयर करना आप अपना जो किचन है उसको कैसे डेकोर करके रखते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट और एक हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए मस्त रहे, खुश रहे, बाय।